महज 90 करोड़ रुपए के बजट से बनी इस फिल्म में ना ही कोई सुपरस्टार को कास्ट किया गया था, ना ही कोई ग्लैमर की क्वीन हीरोइन नजर आई थी। इसके बाद भी फुकरे का फर्स्ट पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल मचा दिया था। 19 करोड़ से बजट से बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 50 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके सबसे हिट फिल्म बना दी। इस फिल्म की सफलता को देखते हुए फिल्म ने डायरेक्टर ने मृगदीप सिंह ने इसका दूसरा पार्ट भी बनाया था। 5 साल के बाद फुकरे का दूसरा पार्ट फुकरे रिटर्न्स 2017 रिलीज किया गया था। ये पार्ट ने भी बॉक्स ऑफिस सुपर हिट रहा था। 30 करोड़ रुपए का बजट से बने इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 112 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की थी। इस फिल्म के बाद ही मंजोत सिंह, वरुण शर्मा जैसे एक्टर्स भी रातों रात स्टार बन गए थे। फिल्म सुपरहिट होने के बाद अब उसका तीसरा पार्ट भी जल्द ही रिलीज हो गया। फुकरे 3 देखने बॉक्स ऑफिस पर काफी लोग गए। इसके बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता देता हूँ। सुमित केंडलन ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि फुकरे 3 पहले ही दिन 8 से 10 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस पर फुकरे 3 ने अभी तक 8.3 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया, क्योंकि बहुत ही अच्छी कलेक्शन की है फुकरे 3 ने। इसी तरह से फिल्म चलती रही तो वीकेंड तक इस फिल्म ने 30 से 35 करोड़ का कलेक्शन कर लेंगी, जो काफी अच्छी कलेक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि यह फिल्म काफी कम बजट से बनी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो देखिए।